क्या जरूर दांत हैं, आगे वाले दांतों में एक ही जड़ है और दाढ़ में दो जड़ें होती हैं। दाढ़ जो है ना दो जड़ें हैं, क्योंकि ज़्यादा चबाया यहाँ से जाना है इसलिए इनको मोटे। अच्छा, ये दांत पतले हैं और दाढ़ चौड़ी हुई है। मैंने एक एक चीज पर आप विचार करो गंभीरता से, निश्चित हो जाता है कि जड़ की योजना नहीं है, ये तो किसी चतुर चेतन ने ही इस प्रकार का निर्माण किया हुआ है। हर पद पदार्थ, एक भित्ते भर का मुख होता है स्त्री पुरुष का, पर एक से दूसरा मिलता नहीं है। क्या जाने? अंगूठे का निशान है, एक दूसरे के अंगूठे के ना दूसरे नहीं मिलते। ये जड़ की क्रिया है कि चेतन की है? विश्वास करो कि इसका निर्माता कोई चेतन तत्व है। क्या नित्यो नित्यानाम, वेद भगवान नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम योनि पश्यन्त धीराः तेषां शाश्वती शांति नेतरेषां। वेद भगवान कहते हैं जो समग्र नित्यों का नित्य है, जो समग्र चेतनाओं का केंद्र बिंदु है, उसके द्वारा ही संसार बना है, उसी के द्वारा चल रहा है। इतनी सारी सुंदर सुरक्षा व्यवस्था, ऐसी सेटिंग, बोले उसके द्वारा, उसको जो अपने हृदय में देख लेते हैं उन्हीं को अखंड शांति मिलती है, दूसरों को नहीं मिलती। उन्हीं को आज व्यक्ति इतना बहिर्मुख हो गया है, ये सब बातें सोचने का टाइम ही नहीं है उसके दिमाग में, तो परिवार और पत्नी और पैसा बस, पत्नी परिवार और पैसा, ईश्वर के बारे में सोचने का समय नहीं। हम लोग और कोई काम ही नहीं दिया भगवान ने करने को, बस एक ही काम दिया है, कथा सुनाओ, पूजा करो और सोचते रहो उनके बारे में। और सोचते हैं तो नई नई बातें हो, जैसे कोई ऊपर से भेज रहा हो, तो अपने आप निकलती रहती। सांचे दरबार की जय, जयकारा शेरावाली जी दा, सांचे दरबार की। निशुंभ के बाद शुंभ आया है, क्रोध में भरा हुआ है, सारी सेना मारी गई, मंत्री सेनापति मारे गए, भाई मारा गया, वो भी युद्ध करता है और अंत तो गत्वा निशुंभ की तरह शुंभ भी मारा गया है। देवता प्रसन्न हुए हैं, पुष्प वर्षाए हैं, बाजे बजाए साचे दरबार की। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, तीन की आराधना है। सरस्वती भगवती हमें आपको बुद्धि देंगी, लक्ष्मी भगवती जीवन के लिए धन देते हैं, और महाकाली आने वाले हमारी विपत्तियों को मिटाती रहती है। इसलिए महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिविध उपासना है, भगवती की आराधना त्रिविध उपासना कहलाती है। अनेक दैत्य हुए भगवती कृपा, जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, ब्रह्म हत्या लगी, तो मानसरोवर में कमल डंडी के अंदर जाके छुप गए थे। कौन? इंद्र। पहले विश्वरूप को मारा, ब्रह्म हत्या लगी, उसको तो चार ने बांट लिया था, स्त्री जल भूमि और वृक्षों ने। वो ब्रह्म हत्या ही सीएम के रूप में 3 दिन के लिए प्रकट होती है। जल के ऊपर ब्रह्म हत्या रहती है, वृक्षों में गोंद निकलती ब्रह्म हत्या है, और जहां जमीन में घास भी न जमे वो ब्रह्म हत्या है। इसीलिए जल में स्नान करने से पहले 2 बार 3 बार जल का अलग करना, फिर डुबकी लगाना। 3 दिन के लिए स्त्री अपवित्र मानी जाती है,
अब आजकल तो मानते मानते नहीं, लेकिन वो शास्त्र है, बिल्कुल सिद्धांत। हमारे वृंदावन के आश्रम में एक तुलसी का गमला हमारे कमरे के सामने बना हुआ, दूसरा बगल में। हजार कोशिश की कि हमारे सामने वाले गमले का रहे, और वो भरा। कारण ये देवियाँ आजकल मानती तो है नहीं अशुद्धि, आ जाती हैं दर्शन में, उनकी छाया पड़ने। यही एक महिला बैठी हुई है जो सुना रही थी कि अपवित्र अवस्था में आम का अचार रखना था, तो आजकल तो मानते नहीं, बोले मैंने नहीं माना। उसमें से आधे बहन को दे दिए अचार बनाए और आधे मैंने बनाए, मेरे में एक नहीं बचा सब सड़ गए, और बहन का एक नहीं सड़ा सब ठीक रहा। यहीं बैठी महिला बता रही। अब इतने प्रमाण तुम्हारे सामने हैं, वो तीन दिन का जो जीवाणु परमाणु है दूषित होते हैं। मेंढक को हाथ में पकड़ ले महिला, उसके प्राण की गति कमजोर हो जाती है, अपवित्र अवस्था। तो नहीं मानना, नहीं मानना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। मानना चाहिए, जो शास्त्रीय परंपरा नहीं मानेगा दुख उठाएगा। बोलो साचे की। दूसरी बार जब वृत्रासुर का वध किया, तो दोबारा जब ब्रह्म हत्या लगी तो वहां जाके छुप गए। कहां? मानसरोवर में कमल की डंडी के अंदर। और इंद्रासन खाली हो गई, खाली रह नहीं सकती। यहाँ भी प्रधानमंत्री समाप्त होगा तो पहले दूसरा नियुक्त करके फिर घोषणा करेंगे मर गए, नियम है ऐसे ना भाई। तब इंद्रासन खाली हो गई। 100 अश्वमेध यज्ञ जो करते हैं वो इंद्र बनते हैं। एक राजा नहुष थे, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हुए थे, इसलिए कार्यकारी इंद्र उसको बना दिया गया। जब कार्यकारी इंद्र बनाया गया तो ये बुद्धि और ये विकार जो है ना, ये व्यक्ति को ऊपर से नीचे कैसे गिराते हैं। अब हजारों हजार अप्सराएं हैं स्वर्ग में, उर्वशी जैसी दिव्य अप्सराएं जो भगवान की जंघा से प्रकट हुई हैं, लेकिन वो कहता है जब इंद्रासन मुझे मिली है तो इंद्राणी भी मुझे मिलना चाहिए। इंद्र की पत्नी शची ये मेरी पत्नी बनी। वो घबरा गई, दौड़कर गुरुजी के पास पहुंची। बृहस्पति गुरु है ना देवताओं के, रोकर सुनाया कि पति देव अंतरित हो गए हैं, ये नहुष बैठा है और मुझे पत्नी बनाना चाहता है, मेरा धर्म नष्ट करना है। अब आज के धर्म नष्ट वष्ट तो कुछ है ही नहीं, रहे ही नहीं गया। क्या जा? पहले के जमाने में बहुत विचार था। तस्मात् पतिव्रता नार्यः श्रेयस्कामा सुमध्यमे। जो नारी अपने आप को पवित्र रख सकती है उसके रोम रोम में भगवती दुर्गा आके निवास करने लगती। सांचे दरबार की जयकारा, शेरावाली सांचे दरबार की। लिखा हुआ है। वैसे नारी जाति को बहुत श्रेष्ठ नहीं माना, लेकिन अगर वो धर्म अपना संभाल ले तो भगवती दुर्गा उसके शरीर के अंदर आ जाती, बिना बुलाया जाए। इंद्राणी इंद्र की पत्नी शची गुरुदेव के पास जाके रोई कि राज गया, पति गया, मेरा धर्म भी जाने वाला है, आप गुरु हैं बताइए। उन्होंने सरस्वती मंत्र दिया, उनका बैठ के जप लो, वही माँ ठीक करेंगे। किया, सरस्वती सिंह पर बैठ करके भगवती सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा बेटी घबराओ नहीं, मेरी आराधना करने वाले संकट में ज़्यादा नहीं फंसते। ऐसा करो
तुम्हारे पति मानसरोवर झील में कमल की डंडी के अंदर है, पर वहाँ जाने से पहले मेरी एक मूर्ति वहाँ प्रकट है, उसका नाम है विश्वकामा, उसकी तुम पूजा करना और मंत्र का जप करना, वो तुमको वहाँ ले जाएंगे। तिया भगवती ले गई इंद्र के, इंद्र घबरा से गए, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ? माँ भगवती की कृपा, रो पड़ी पति के सामने। इंद्र ने कहा धैर्य धारण करो, मैं आ जाऊँगा, पर वो नहुष तो मेरे अधर्म नष्ट करना चाहता है, नहीं, जिन माँ ने यहाँ तक पहुँचाया वही तुम्हारी रक्षा कर, जाओ। गए बुद्धि दे देती है ना बचाव के लिए, क्या बुद्धि दे दी? मैं आपकी पत्नी बनने तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? उस वाहन पर बैठ के आप मेरे महल में आए, आज तक जिस पर कोई बैठा ही ना हो। एक ऐसी लड़की का सुना था कहीं कि छुरा लेके आया हो, कामी आदमी था, मार दूंगा तो, रेप के लिए आया था। अब लड़की की बुद्धि देखो, उसने कहा ठीक है मैं स्वीकार कर लेती हूँ, लेकिन ऊपर के कपड़े उतार दो। नहीं समझ में आई बात, ये कपड़े रति काल में कपड़े भी बंधन होते हैं ना, तो उतार दो। तो छोरा जो लिया था ऐसे रख के, और जैसे उतारने लगा लड़की ने छोरा उठाया, हमारा बचाव हो गया। नहीं, ये बुद्धि का चमत्कार है कि नहीं? बुद्धिर यश बलम तस्य, जिसकी बुद्धि है उसका बल है, इसीलिए वहां से बुद्धि मांगो। और ये ज्योति जो जलती है, ये ज्योति जलाने का मतलब ही है कि तुम्हारे अंदर ज्योत जले। एक मोमबत्ती में ज्योत जल रही है, दूसरी जोड़ोगे तो क्या होगा? ये भी जल उठेगी क्या? नहीं, तो ज्योत जलाई तुमने, तो ज्योति से जब अंदर की ज्योत मिलेगी तो अंदर की जाग उठेगी कि नहीं उठेगी? समझ में आया नहीं? इसलिए कर अस्तु। नहुष सोचते सोचते सोचने लगा अंत में कि ब्राह्मणों के पालकी में आज तक कोई नहीं चला, ब्राह्मण का सम्मान तो पहले से होता है। ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान, ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ होता है। क्या? सर्वेषां प्राणिनाम ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान, श्रेयान श्रेष्ठ होता है। तपसा विद्या तुष्ट्या, अगर ब्राह्मण तपस्वी हो, संतोषी हो और विद्वान हो, भगवान कहते हैं वो तो मेरा स्वरूप ही है। साचे दरबार के अंत में निर्णय लिया ना उसने, ब्राह्मणों को बुलाया, सेवा की और कहा बस मेरा एक काम छोटा सा है, कर दिया जाए। क्या करना है? मेरी पालकी उठा करके सची के महल तक भेज। ब्राह्मण एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ब्राह्मणों से काम नहीं। आजकल तो देखा कई घरों में सेठों के जूतों में पॉलिश कर रहे हैं ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण है, नौकरी पेट के लिए आए हैं, सब काम कराते हैं। ऐसे घरों से लक्ष्मी भागती है, ये ध्यान रख। ब्राह्मणों से छोटा काम नहीं करेंगे। और ऐसे लोग बर्बाद होते देखे भी गए, फिर भी ब्राह्मणों ने, इसलिए कि बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ जोड़ो चलो पालकी बैठा ला चलो। अब काम ऐसा अंधा है, जब जागता है विवेक खो देता है।
प्रबल शत्रु है मनुष्य के अंदर, और कब कहाँ जाग जाए ये पता भी नहीं लगता। संस्कृत में एक शब्द है प्रसर्प, मैं जल्दी चलो। जब जल्दी चलो कहना होता तो कहते हैं प्रसर्प 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 प्रसर्प। और यहाँ तक कि अगस्त जी आगे थे पालगंज, अपना लात भी ऐसे लगा प्रसर पर माँ के उपासक अगस्त जी। अरे मूर्ख, एक तो तूने ब्राह्मणों को पालकी पर लड़की चलाया, फिर लात भी लगा रहा प्रसर पर, जा तू सर्प हो जाए। वहीं बैठा सर्प हो गया वो, पर सर्प है ना तो पर अलग हो गया सर्प सांप। सची का धर्म बचा के नहीं, ये पराम्बा भगवती का दिया हुआ आशीर्वाद है सांचे। अब आरती कर लो, समय आज ज्यादा हो गया। श्री राम जय राम जय yeah।
सनातन धर्म के चक्र चूड़ामे ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी शिखर पात्र जी महाराज के सद्गुरुदेव भगवान के गंगा मैया के नमः पार्वती पते हर हर महा